मेट्रो जनपद की आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं जालौन मेट्रो। जालौन मेट्रो की खबर का एक बार फिर से असर हुआ। आपको बताते चले कि 3 दिन पूर्व जालौन मेट्रो पर माधोगढ़ के ग्राम पंचायत रुद्रपुरा में फर्जी तरीके से मनरेगा के कार्यों को दिखाकर भुगतान संबंधी भ्रष्टाचार की खबर प्रसारित की थी, जिसको प्रशासनिक अधिकारियों ने संज्ञान लेकर खंड विकास अधिकारी ने की कार्यवाही। योगी सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए तमाम प्रकार की योजनाओं को संचालित कर रही है, लेकिन व्याप्त भ्रष्टाचार के आगोश के आगे सभी योजनाएं धड़ाम होती दिखाई देती हैं। विकास के नाम पर सरकार के द्वारा लाखों हजार खर्च किए जाने के बावजूद भी गांव की भौगोलिक स्थिति पूर्व की भांति ज्यों की त्यों है। कहीं भी कोई खास बदलाव विकास में नहीं देखा जा सकता। हालांकि सरकार ने व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ऑनलाइन सेवाएं भी आरंभ की, लेकिन भ्रष्टाचारियों ने इसका रास्ता खोज लिया। ग्राम पंचायत में जनप्रतिनिधि विभाग के अधिकारियों की मिली भगत से भ्रष्टाचार को अंजाम दे रही हैं, जिसमें संलिप्त जिम्मेदार कार्य धरातल होने की बजाय कार्य को कागजों में ही अधिक वरीयता देना मुनासिब समझते हैं। ऐसा ही एक विकास प्रकाश में आया। विकासखंड की ग्राम पंचायत रुद्रपुरा में मनरेगा कार्य धरातल पर होने के बजाय कागजों में ही दर्शाकर पूरा भी करवाया रहा, लेकिन ग्रामीणों के विरोध और मामला प्रकाश में आने के बाद खंड विकास अधिकारी रमेश चंद्र शर्मा ने मौके पर जाकर जांच की, जिसमें चल रहे नरेगा कार्य को फर्जी पाया गया, जिसमें उन्होंने कार्यवाही करते हुए बताया कि ग्राम पंचायत में कराया जा रहा नरेगा कार्य पूर्णतया फर्जी है, जिसमें किसी प्रकार का कार्य नहीं कराया गया, जबकि फर्जी लेबर लगाकर कार्य को दर्शाया गया, जिसमें उक्त कार्य योजना में शामिल कार्य को जीरो करा दिया गया एवं हिदायत के तौर पर यदि फर्जी कार्य किया जाता है तो आगे भी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उक्त कार्य की जानकारी के मुताबिक मनरेगा के अंतर्गत ग्राम पंचायत रुद्रपुरा में छिदू के खेत से बड़ा नाले की ओर खुदाई कार्य करवाया जा रहा था, लेकिन ये कार्य महज कागजों तक ही सीमित है, क्योंकि मनरेगा के जॉब कार्ड मजदूरों को पता ही नहीं कि वो खुदाई का काम भी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जब मौके पर जाकर देखा गया तो वास्तविक रूप से खुदाई महज सफेद कागजों में ही हो रही थी, जबकि इस कार्य में 32 मजदूरों को कार्य योजना में शामिल कर जॉब कार्ड लगाए गए हैं। इतना ही नहीं, कहीं से फोटो उठाकर भी अपलोड कर दी गई थी। खंड विकास अधिकारी माधोगढ़ रमेश चंद्र शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि उक्त कार्य की जांच की गई, जिसमें मनरेगा द्वारा कार्य कराया जा रहा है, नाले का खुदाई कार्य फर्जी पाया। ग्राम पंचायत रुद्रपुरा में जो फर्जी कार्य पकड़ा गया, तो उसमें क्या कार्रवाई हुई है सर, किस प्रकार से कार्रवाई की गई? उस कार्य को मैं JEMI के साथ स्वयं देखने के लिए गया था। वहाँ पर मेरे द्वारा जो कार्य देखा गया था, केवल चारा कटाई हुई थी, वहाँ ज्यादा कोई कार्य नहीं हुआ था। जो कार्य संतुष्ट न पाए जाने के कारण मैंने वो मस्टर जो है शून्य करा दिया, उसका कोई भुगतान नहीं होगा, भुगतान रुकवा दिया गया है, और कर्मचारी के खिलाफ जो है उसको कुछ नोटिस जारी कर दिया गया, वो जवाब देगा, उसके बाद देखते क्या होगा।